हेलो फ्रेंड्स माय सेल डॉक्टर योगिता चंद्राकर डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान टुडे आई विल डिस्कस दी टॉपिक ऑफ एसाइटिस एसाइटिस जो होती है वो एक मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नहीं बोल सकते ऐसे जो सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए एक एज अ कंडीशन डेवलप होती है दैट इज़ कॉल्ड एसाइटिस इंट्रोडक्शन देखते हैं तो जो एसाइटिस होता है वो एक ग्रीक वर्ड है एस्कीटोज एस्कीटोज मीन्स होता है बैग और सेक तो इससे जो होता है वो एसाइटिस वर्ड बना हुआ है एसाइटिस इज अक्यूमलेन ऑफ एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ फ्लूड और ये जो फ्लूड होते हैं वो फ्री फ्लूड होते हैं विद इन दी पेरेटोनियल कैविटी मीन्स एक्यूमोलेशन ऑफ दी एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ फ्लूड फ्री फ्लूड विद इन दी दैरिटोनियल कैविटी दैट इज़ कॉल्ड एसाइटिस इट फ्रैक्वेंटली ए सिरोसिस सीरोसिस एंड अदर डिफ्यूज लीवर डिसजेस मीन्स जो ये असाइटिस होती है वो जो सीरोसिस ऑफ लीवर है या अदर जो लीवर डिसीजेस होती हैं उसमें ही ये जो कंडीशन होती है वो हमें मिलती हैं द डेवलपमेंट ऑफ एसाइटिस एसोसिएटेड विथ हीमोडलूशन इडिमा एंड डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट और जो डेवलपमेंट होता है एसाइटिस का ये एसोसिएट करता है मेनली इन हीमोड हीमो डायलूशंस मीन्स जो ब्लड है उसमें क्या है उसके जो आ, मतलब उसमें आइसोटोनिसिटी मेंटेन है कि नहीं है इस पर डिपेंड करता है ईडीमा एंड डिक्रीजड यूरिनरी आउटपुट मीन्स यूरिनरी आउटपुट जो होती है वो डिक्रीज हो रही है क्यों हो रही है क्या कंडीशन है जो एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन है वो प्रॉपर रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है एल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं तो ये सारी चीज़ें होती है वो एसाइटिस को डेवलप करने के लिए एसोसिएटिंग फैक्टर्स होते हैं देन हम देखते हैं इट मे कंटेन अ फ्यू मीजो लिथियल सेल्स एंड मोनो न्यूक्लियर सेल्स मीन जो मीजो थीलियल सेल्स होती हैं और जो मोनो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं इनसे बनी होती है वो जो एसाइटिस की फ्लूड है देन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिली सजेस्टिव ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड रेड ब्लड सेल इन एसाइटिस फ्लूड पॉइंट टू डिस एमिनेटेड इंट्रा एबडामिनल कैंसर साथ में इसमें देखते हैं कि अगर वहाँ पे उसमें जो एसाइटिक फ्लूड है वो जो होती है वो मीजोथीलियर सेल्स और म्यूनो न्यूक्लियर सेल्स से बनी है, बट अगर इसमें न्यूट्रोफिल्स का प्रेजेंस दिख रहा है तो ये जो न्यूट्रोफिल्स का प्रेजेंस होता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को सजेस्ट करता है और ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं या जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एसाइटिक फ्लूड में हमको मिलते हैं और जो एसाइटिक फ्लूड में हमें मिलेंगे तो ये जो होता है वो डिस एमिनेटेड इंट्रा एबडामिनल कैंसर्स ये रीज़न होते हैं जिसमें कि न्यूट्रोफिल जो होता है उसका प्रेजेंस हमको मेनली देखने को मिलता है देन आफ्टर एसाइटिक फ्लूड एसाइटिक फ्लूड इज जनरली ट्रांजोडेट विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वन एंड प्रोटीन कंटेंट बिलो थ्री ग्राम पर एम एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन लाइक दोज ऑफ अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो एसैटिक फ्लूड होती है वो जनरली ट्रांसजोडेटिव फ्लूड होती है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वन पॉइंट जीरो वन ज़ीरो इसमें प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो थ्री ग्राम पर एम से कम होता है एंड जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सनट्रेशन होता है वो अदर जो एक्स्ट्रा सेलोलर फ्लूड होते हैं उनके जैसा ही होता है ऐसा कुछ नहीं है कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सनट्रेशन है वो उनसे डिफरेंट है जो एक्स्ट्रा सेलोलर फ्लूड है उन्हीं के जैसा ही इसका कॉन्सनट्रेशन होता है देन हम देखते हैं क्लिनिकली एसाटिस किसे कहा गया है तो एसाइटिस बिकम्स डिटेक्टेबल वैन एटलीस्ट फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ फ्लूड एक्ूमलेट इन दी पेरेटोनियल कैविटी विच इज़ सीरियस इन नेचर मीन्स एटलीस्ट फाइव हंड्रेड एम एल जो फ्लूड होता है वो एक्वेलेट होना चाहिए कहाँ पर पैरेटोनियल कैविटीज़ में देन ये जो होता है वो सीरियस नेचर का होता है तभी हम इसे असाइटिस बोलेंगे अदरवाइज नहीं बोलेंगे कॉजेस एजाइट एसाइटिस विद एन एस आरका मीन्स कि एन एस आरका के साथ में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे कौन से रीज़न है जिसके कारण एसाइटिस हो रहा है तो इसमें फर्स्ट है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर देन सेकेंड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम थर्ड है न्यूट्रिशनल एनीमिया देन पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिक्सोडीमा फाइलेरिया ड्रॉपसी तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में न्यूट्रिशनल एनीमिया में पेरिकार्डियल इफ्यूज़न में एंड मिक्सोडीमा में एंड फाइलरसिस एंड एपिडेमिक ड्रॉपसी इन सभी में हमको जो होती है वो एसाइटिस जो होती है वो देखने को मिलती है और एसाइटिस विथ विदाउट एनासारका अगर हम बोलते हैं जिसमें कि ओनली एसाइटिस मिलता है इसमें हमको मिलेगा सीरोसिस ऑफ लीवर पेरिटोनाइटिस लेम्फोमा हिपैटिक थ्रोम्बोसिस पोर्टल थ्रोम्बोसिस एंड पेंक्रियाटिक एसाइटिस मीन्स अगर एनासारका के साथ में है तो ये मेनली हमको यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्डियक फेलियर्स होती हैं नेफ्रोटिक मतलब किडनी की प्रॉब्लम्स है न्यूट्रिशनल एनीमिया है जिसमें कि जो होती है वो प्रोटीन या फिर विटामिन बी ट्वेल्व डिफिसंसी वगैरह रहेंगी साथ में जो पेरिकार्डियल इफ्यूज़न है मेग्जोडीमा है जो अगर थायरय का डिसऑर्डर्स हैं फाइलेरिया हैं जिसमें कि फ्लूड में ही कोई डिफॉर्मिटी होती है और ड्रॉपसी है जो कि अगर हमने आर्जीन मीन जो ऑयल वगैरह लिया है उसमें मिक्स कर दिया है तो आर्जिन मैक्सिकोना अगर मिक्स होता है जब मस्टर्ड ऑयल में तो हमें ड्रॉपसी मिलता है तो इन सभी में हमको विथ का मीन्स इसमें एलर्जिक जो कंडीशंस भी हमें दिखेंगे बट अगर उसके बिना हम एसाइटिस देखते हैं तो मेनली हमको मिलता है सिरोसिस ऑफ लीवर में पैरेटोनाइटिस में जो कि पायोजेनिक भी हो सकता है ट्यूबरकुलर भी हो सकता है एंड मलेग्न भी हो सकता है देन लिम्फोमा देन आफ्टर ए हिपैटिक थ्रोम्बोसिस एंड पोर्टल थ्रोम्बोसिस एंड पेंक्रियाटिक एसाइटिस मीन एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस की कंडीशन में भी हमको एसाइटिस देखने को मिलती है और साथ में हिपैटिक वन एंड पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में भी एंड है इसमें लिम्फोमा लिम्फोमा या ल्यूकेमिया इस कंडीशन में भी हमको एसाइटिस देखने को मिलती है देन हम बात करेंगे सिस्टेमिक फैक्टर अगर सिस्टेमिक फैक्टर देखते हैं तो फर्स्ट है इसमें डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑंकोटिक प्रेशर जो प्लाज्मा में जो ऑंकोटिक प्रेशर होता है उसका कम हो जाना उसके कम होने से कंडीशन डेवलप होती है हाइपो एल्बूनीमिया means लॉस ऑफ albumin इन the ब्लड प्लाज्मा due to रिड्यूस्ड प्लाज्मा ओंकोटिक प्रेशर एंड लीड्स टू लॉस ऑफ वाटर इन टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस हमने यह जानते हैं कि जो ऑंकोटिक प्रेशर होता है वो प्लाज्मा का अगर कम होता है तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो बढ़ जाता है कहाँ पे बढ़ता है किसको लीड करता है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में लॉस ऑफ वाटर को तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जब कम हो जाएगा तो इंट्रा वेस्कुलर स्पेस में वो फिल होने लगेगा तो ये जो होती है वेसाइडिस की कंडीशन को डेवलप करता है देन आफ्टर ए हाइपर एल्डोस्ट्रोनिज्म मतलब कि जो एल्डोइ्रॉन होती है उसका अगर हाई हाइपर सिक्रेशन होने लगेगा वो भी किस कंडीशन में सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में तो सिरोसिस ऑफ लीवर में जब एल्डोस्ट्रॉन का सिक्रेशन बढ़ जाता है एडिनल तो ग्लैंड से तो ये जो करता है वो रिड्यूस्ड रिनल ब्लड फ्लो ये रिनल ब्लड फ्लो को रिड्यूस्ड कर देगा और उसके कारण होता है इम्पेयर्ड हिपेटिक मेटाबोलिज्म और हिपेटिक मेटाबोलिज्म जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है देन आफ्टर ए इम्पेयर्ड रीनल एक्सक्रीजन इम्पेयर्ड रिनल एक्सक्रीजन में हम देखते हैं कि रिड्यूस्ड रिनल ब्लड फ्लो देन एक्सेसिव रिलीज ऑफ एंटी डायोरेटिक हारमोन एंड इम्पेयर्ड रीनल एक्सक्रीजन कि रिनल एक्सक्रीजन इंपेयर्ड क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एंटी डायोरेटिक हारमोन जो होती है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रही है और जब एंटी डायोरेटिक हारमोन ज़्यादा रिलीज़ होगी मतलब कि यूरिन जो होगा वो डायोरेटिक हो जाएगा तो रिनल ब्लड फ्लो हो जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा तो ये जो तीन कंडीशंस थे डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑंकोटिक प्रेशर हाइपर एलोरिज्म एंड इम्पेयर्ड रिनल एक्सक्रीजन ये तीनों कंडीशन जो होते हैं वो एक सिस्टेमिक फैक्टर हैं जो कि एसाइटिस को डेवलप करते हैं देन आफ्टर हम बात करेंगे लोकल फैक्टर की तो लोकल फैक्टर में फर्स्ट है इंक्रीज पोर्टल प्रेशर ड्यू टू पोर्टल hypertension combined with विद अदर फैक्टर the formation फॉर्मेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ fluid फ्लूड इन दी cavity कैटी अगर पोर्टल हाइपर की कंडीशन होती है तो उसके साथ में एक अदर फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं और ये जो अदर फैक्टर होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ द फ्लूड के और ये जो फ्लूड का फॉर्मेशन हो रहा है वो फ्लूड लोकलाइज हो रहा है पैरेटोनियल कैिटी में इसके कारण क्या हो रहा है इंक्रीज पोर्टल प्रेशर है और ये एस को डेवलप कर रहा है इंक्रीज हिपैटिक और लिम्फ फॉर्मेशन ऑबस्ट्रक्शन ऑफ द हिपैटिक वैन एंड इंक्रीज इंट्रा सैनोसॉइडल प्रेशर ऑफ सिरोटिक पेशेंट अगर कोई सिरोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट है उसमें जो इंट्रा सनोसॉइडल प्रेशर्स हैं साथ में अगर हिपैटिक वैन में कोई ऑबस्ट्रक्शन है तो ये जो होता है वो हिपैटिक लिम्फ फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है और ये हिपैटिक लिम्फ फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ तो ये भी असाइटिस को डेवलप करता है देन ऑक्टर हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स में फ़र्स्ट है अगर सिम्टम्स की बात करें तो प्रोग्रेसिव स्वेलिंग मतलब कि स्वेलिंग बढ़ रही है एंड फुलनेस ऑफ एबडामिन विथ गेन इन वेट स्वेलिंग के साथ में फुलनेस ऑफ एबडामिन मिलेगा और उसमें वेट गेन भी होगा देन आफ्टर ए एकिंग पेन ड्यू टू स्ट्रेचिंग अगर वो जो एबडामिन है स्ट्रेच हो रही है तो वहाँ पे एकिंग पेन होता है खींचा खींचा सा पेन होना देन आफ्टर ए डिस्निया एंड इवन ऑर्थोपनिया ब्रेथलेसनेस भी रहेगी और रुक रुक कर भी उसे प्रॉब्लम होगी या फिर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देन आफ्टर ए स्वेलिंग इन स्वेलिंग ऑन लोअर लिम्स ड्यू टू सी सी एफ एंड सीरोसिस मीन सीरोसिस एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के कारण जो होती है वो लोअर लिम में स्वेलिंग मिलेगी ऑलीग यूरिया मीन्स जो यूरिन जो होती है आउटपुट होती है वो कम हो जाएगी डिस्पेप्सिया उसे क्या होगी प्यास लगेगी या प्रॉपर जो होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगने के कारण क्योंकि वाटर इम्बेलेंस हो गया है देन आफ्टर अ हार्ड बर्न इसके बाद हम बात करेंगे साइन साइन में हम मेनली एबडोमिन में देखते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइंस uh, होते हैं जो कि हमको मेनली एसआईटिस में मिलते हैं और जो कि कन्फर्म करते हैं एस के डायग्नोसिस को तो इसमें फर्स्ट है फ्लस्ड और इवर्टेड अम्ब्लाइकस देन सेकेंड है फ्लोड थ्रिल एंड थर्ड है सिफ्टिंग डलनेस मतलब कि फ्लस्ड एंड ईवर्टेड अम्बलाइकस मतलब कि एबडामिन जो होता है वो पूरी तरह से ऐसे बाहर उठा हुआ रहेगा बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ सरफेस मिलता है और उठा हुआ होने के कारण जो अम्ब्लाइकस होता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखेगा मतलब अंदर दब गया ऐसा लगेगा या फिर उल्टा दिखेगा तो ये जो होता है वो वर्टेड अम्बलाइकस की कंडीशन है देन है फ्लूड थ्रिल फ्लोड थ्रिल मतलब कि जब हम उसमें टैपिंग करेंगे तो फ्लूड जो होती है यहाँ से वहाँ एक साइड से दूसरी साइड में जाती हुई हमें फ़ील होगी एंड सेफ्टिक डलनेस अगर हम लेफ्ट साइड मतलब टर्न हो रहे हैं तो फ्लूड जो होती है वो लेफ्ट साइड आ जाएगी और राइट right टर्न हो रहा है तो राइट right से चली जाएगी तो इसको बोलेंगे सिफ्ट इंड डलनेस तो ये तीन जो फीचर्स होते हैं मेनली हमको इसमें देखने को मिलते हैं देन हम बात करेंगे ऑस्कल्टेशन अगर वीनस हम मीन्स की अगर डिस्टेंडेड वेन है अम्बलाइकस के ऊपर सराउंडिंग में तो ये जो होती है अगर सीरोसिस या फिर पोर्टल हाइपर की कंडीशन में ऑडिबल हो सकती है जो वेन होती है डिस्टेंडेड वेन होती है वो अम्ब्लाइकस के चारों ओर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा दिखेगी और ये कंडीशन रहती है सिरोसिस ऑफ लीवर एंड पोर्टल हाइपर की तो इस कंडीशन में वीनस हम मतलब कि हम अगर उसको सुनने की कोशिश करेंगे तो वीनस में जो वेन्स होती है उसमें एक साउंड हमको सुनाई देगा देन आफ्टर एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन में वही है कि जो मेन फीचर्स थे जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ एबडामिन पर्टिकुलर दी फ्लैक दी फ्लैंक आर फुल क्योंकि जो फ्लैंक है वो पूरी तरह से फुल हो गई है तो पूरे जनरलाइज स्वेलिंग मतलब कम्प्लीटली उस एरिया में हमको स्वेलिंग मिलेगा ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर मिल रहा है पूरे एबडोमिन में स्वेलिंग मिलेगा इवर्टेड एम्बलाइकस मिलेगा फ्लोरथ्रिल प्रेजेंट रहेंगे सेफ्टेड डेल्निस भी प्रेजेंट रहेगी तो ये जो चारों चीज़ें होती हैं ये मेन कन्फर्म करती हैं डायग्नोसिस ऑफ एसाइटिस को तो इस प्रकार से असाइटिस में जो मेनली हमको देखने को मिलता है वो था इवर्टेड एम्ब्लाइकस फ्लोथ थ्रिल एंड एडामिन बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो विथ एन का है कि विदाउट एन का है सिस्टेमिक फैक्टर इन्वॉल्व है कि लोकल फैक्टर इन्वॉल्व है कौन से डिसीज़ में एसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है कार्डियक रीज़न तो नहीं है किडनी के रीज़न तो नहीं है रीनल रीज़न तो नहीं है हार्मोनल रीज़न तो नहीं है या अदर जो है सिरोसिस या हाइपर की कंडीशन तो नहीं है ल्यूकेमिया लिम्फोमा तो नहीं है तो ये सारी चीज़ों में जो एसाइटिस डेवलप होती है उन सारों के फैक्टर्स या फिर उनके कॉज अलग अलग होते हैं तो इन सभी को देखते हुए ही हमें मतलब इसको आगे ट्रीट करना है या फिर इसको समझना है या इसकी पैथोलॉजी डिसाइड करनी है थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स